देश तब गुलाम हुआ था जब हिंदू बटा था। बहन और भाइयों, अब बटना नहीं है, बटे थे तो अब पटना ने एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, न बटेंगे न कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। इस संकल्प के साथ हमें कार्य करना है और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहन और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अयोध्या में अगर हिंदू बटा नहीं होता, 500 वर्ष पहले जाति के नाम पर बटा नहीं होता, तो अयोध्या में पान नहीं झेलना होता। अगर हिंदू बटा नहीं होता तो काशी में अपमान नहीं झेलना होता। हिंदू बटा नहीं होता तो मथुरा में अपमान झेलना नहीं होता। हम इस जब बटे थे तो अपमान झेलना पड़ा था, और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि बहन और भाइयों, बटना नहीं है। जाति के नाम पर बांटने वाले नेता समाज के दुश्मन है, देश के दुश्मन है, इनसे सावधान रहना है। और सावधान रह करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के यहां आह्वान को आगे बढ़ाना है, विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाना है। और विकसित भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने राजमहल विधानसभा सीट पर श्री अनंत कुमार ओझा जी को अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। अनंत ओझा जी को अपने चुनाव जिता करके भेजेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक दोनों हाथ ला करके थोड़ा बताइए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ ला करके बोलिए। सभी लोग सहमत है ना? तो पक्का मान करके चलिए कि जो घुसपैठियों के रहनुमा यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ने के लिए आकर के आपको गुमराह करने का काम करेगा ना, आप याद करना, 23 नवंबर के बाद इन सब की छुट्टी होगी।